अब बड़ी खबर, दिल्ली और करीबी इलाकों में बीती रात से बारिश ने कहर बरपा रखा है। गुरुग्राम में तेज शाम तस्वीरें डराने वाली थी, गाड़ियां पानी में डूबी रही और लोग जैसे सड़क पर, ऐसी स्थितियां बन गई जैसे समंदर जैसे हालात। गाजियाबाद से लेकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। गुरुग्राम में सलाह दी गई है कि लोग घरों से काम करें और स्कूलों को बंद रखा जाए। सुबह से दिल्ली एनसीआर में बारिश की रफ्तार जारी है और आसमान में छाए काले घने बादल बता रहे हैं कि आज का दिन भी बारिश से भरपूर होगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी, दिल्ली और करीबी इलाकों में बारिश आज और हो सकती है। तो अलग अलग जगहों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक बाइक जो है वो पानी में फंस गई, गाड़ियां बंद पड़ी हैं, सड़क पर समंदर जैसे हालात दिख रहे हैं, लोग मुसीबत में हैं। ये आप दिल्ली एनसीआर की तस्वीर देख रहे हैं, ऐसा कोई इलाका नहीं जो बाढ़ से ग्रसित हो। हम आपको दिल्ली एनसीआर यानी राजधानी और उसके आसपास के इलाकों की तस्वीर दिखा रहे हैं। भारी ट्रैफिक जाम से लोग जूझते हुए और गुरुग्राम की स्थिति भी कुछ ऐसी ही। वरुण सिन्हा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, जिस जगह पर आप मौजूद हैं जरा तस्वीरें वहां पर दिखाइए, किस तरीके के हालात हैं। अर्पिता, मैं पंचकुया रोड पर हूं इस समय और आप देखेंगे यहां पर तो आपको पूरा हाफ रोड जो है वो पानी में यहां पर भरा हुआ नजर आएगा, जलभराव है। और दिल्ली में करीब ऐसे 25 से ज्यादा पॉइंट है जहां पर इस समय जलभराव की स्थिति है। आप सीधे तौर पे अगर समझे तो पिछले दो दिनों से लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, ऐसे में दिल्ली एनसीआर, खासकर गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें या फिर हम नोएडा की बात करें, ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर इस समय प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। ये कहा गया है कि वर्क फ्रॉम होम करें लोग, घरों से बाहर ना निकलें, बारिश हो सकती है आज पूरा दिन। मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश होने की संभावना है, तो ऐसे में ये परेशानी, ये दिक्कतें आ सकती हैं लोगों के सामने। लेकिन हाँ, जहाँ तक ये जिम्मेदारी जो जलभराव की है ये प्रशासन की बनती है, ये एमसीडी की बनती है या फिर अलग अलग राज्यों में जहाँ पर, चाहे गुड़गांव की बात करें वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन उनकी बनती है, वो इससे किस तरीके से निपट सकते हैं, वो लोगों को किस तरीके से राहत दिला सकते हैं, जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको लेकर क्या क्या तैयारियां की गई है। कल गुड़गांव में जो है वो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया कि जो लोग भी फंसे हुए हैं वो हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके मदद मांग सकते हैं। तो ये परिस्थिति अगर बन जाती है दो दिन या डेढ़ दिन की बारिश के बाद तो अपने आप में सवाल खड़े करने वाली है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सुबह किसे स्थिति ये है कि लगातार बूंदाबांदी हो रही है दिल्ली एनसीआर में, और शायद यही वजह है कि जो कल हालात देखने को मिले उसके बाद लोगों को डर लग रहा है कि आज भी अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो निश्चित तौर पे उनको जाम से रूबरू होना पड़ेगा और बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अर्पिता जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।